दैट इज TF नॉट माइनस TF इज इक्वल्स टू डेल TF. तो इसे हम एक वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, डेल TF इक्वल्स टू T2 माइनस T1. सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अब जैसे कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिलिटी के. अब ये और वाली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट नियरली सिमिलर है और इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो भी सेम है. तो जैसे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसी तरीके से जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी मोलिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, इक्वल टू के साथ आपको साइन लेकर के आना है एक कांस्टेंट का. तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है KF. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कांस्टेंट था KB, जिसका हमने नाम रखा था एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. उसी तरीके से यहाँ पे जो कांस्टेंट है KF, इसका एक नाम है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट कहलाएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर KF को हम एक नाम से और जानेंगे तो KF को ही हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. अब फ्रेंड्स देखिए, 12th स्टेट बोर्ड में बहुत बार क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन 2 मार्क्स में पूछ चुकी है. तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप ये बोल सकते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूसेस व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज एडेड इन 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट. जब भी हम 1 मोल सॉल्यूट को 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, उतने टाइम पे जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस होता है वही कहलाता है KF, यानी कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. अब देखिए ये बात बहुत अच्छे से आप जानते हैं, इससे हम दे देते हैं इक्वेशन 2. ये बात बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि मोलिलिटी क्या होता है. तो मोलिलिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, मोलिलिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000. ये होता है मोलिलिटी. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, ये जो m है इस m की पूरी वैल्यू को मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 में. तो हमारा फॉर्मूला एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा. यहाँ पे आप लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ m दैट मीन्स मोलिलिटी इन इक्वेशन 2. तो हमें क्या देखने मिलता है, डेल TF इज इक्वल्स टू KF इंटू WB, m की जगह पूरी वैल्यू रख दीजिए, अपॉन MB इंटू WA मल्टीप्लाइड बाय 1000. ये हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया. इस एक्सप्रेशन की हेल्प से यदि हमें कोई भी न्यूमेरिकल आता है जिस न्यूमेरिकल में हमें डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो हम ये वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब फ्रेंड्स देखिए, आपको कई बार क्या पूछता है, वो कई बार तो यदि वो आपसे पूछेगा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बट कई बार वो क्या पूछेगा, आपको KF की वैल्यू भी रहेगी, डेल TF की वैल्यू भी गिवन होगी, आपसे पूछेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैलकुलेट करने का. यदि आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आपसे क्वेश्चन में पूछता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले को शिफ्ट करना है. तो एक फॉर्मूला हमें और देखने मिलेगा इस तरीके से. हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, MW इज इक्वल्स टू KF इंटू WB अपॉन डेल TF मल्टीप्लाइड बाई WA इंटू 1000. ये फॉर्मूला इस तरीके से रिप्लेस हो जाएगा. अब देखिए, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करती. तो यहाँ से ये वाले फॉर्मूले से आप कैसे कह सकते हो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. तो सबसे फर्स्ट इसको आप इक्वेशन 3 दे दो. तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं कि डिपेंड कर रही है, लेट अस सी. ये जो है WB, ये क्या है फ्रेंड्स, WB है वेट ऑफ सॉल्यूट, ये चेंज होता रहेगा. ठीक है, यहाँ पे 1000 जो है कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया. KF जो रहेगा वो भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट रहता है, ये भी कांस्टेंट हो गया. इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, सॉल्वेंट पर डिपेंड करेंगी. ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो W वेट ऑफ सॉल्वेंट है ये भी फिक्स रहेगा. तो ये 3 टर्म्स तो यहाँ से आप नेगलेक्ट मान लीजिए, सिर्फ आपके पास टर्म बचती है WB और MB. तो ये जो है WB है वेट ऑफ सॉल्यूट और ये जो है MB है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हम बोलते हैं मोल्स.
तो मोल पे डिपेंड कर रही है, सीधे सीधे जो हमारा डेल्टी है वो WBMB पे डिपेंड कर रहा है, मतलब सॉल्यूट के मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर्स के तौर पर। अब एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर्स क्या होते हैं, आपको समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि देखिए, जो व्हीकल्स के इंजन होते हैं बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं ना, तो क्या होता है उन इंजन को कम, मतलब उन इंजन के टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए हम जनरली रेडिएटर का यूज करते हैं। अब रेडिएटर का काम ये होता है कि रेडिएटर क्या करता है, व्हीकल्स में वाटर को फ्लो करने में हेल्प करता है। वाटर को ये फ्लो करता है ताकि इंजन जो है वो कूल रह सके। बट जैसे क्या होता है, सपोज शिमला का एग्जांपल लो, तो शिमला में जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाते हैं, कई बार -3 -4 डिग्री तक के भी चला जाता है। तो उस समय जो वाटर है वो रेडिएटर की हेल्प से फ्लो नहीं हो पाएगा इंजन में, और वाटर जो है वहां पे जाके फ्रीज हो जाएगा। अब यदि वाटर फ्रीज हो गया तो व्हीकल जो है वर्क नहीं करेगा, व्हीकल तो चलना बंद कर देगा। तो इस केस में क्या करते हैं, ताकि वाटर फ्रीज ना हो, हमें वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करना होता है, यानी कि उसे रिड्यूस करना होता है। तो वहां पे इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज होता है। अब कैसे कर सकते हैं, तो वाटर के टेम्परेचर को, मतलब ताकि वाटर जो फ्रीज ना हो, इसके लिए हम उसमें कोई एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर डाल सकते हैं। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वाटर अभी तक के फ्लो हो रहा था सिंपल वाटर के फॉर्मेट में, सॉल्वेंट के फॉर्मेट में, रेडिएटर जो है वो सॉल्वेंट को फ्लो कर रहा था, तो उसमें यदि हम वो सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देंगे तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा। वाटर तो सॉल्वेंट के फॉर्मेट में है ही है, बट उसमें यदि हमने कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करके। अब यहाँ पे हम एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर्स के तौर पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में किस किस का यूज कर सकते हैं, तो फर्स्ट हम एथिलीन ग्लाइकोल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो भी एक अच्छा एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर होता है। सेकेंडली हम ग्लिसरॉल का यूज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब एथिलीन ग्लाइकोल तो आपने ले लिया, सपोज आपको वाटर के साथ एथिलीन ग्लाइकोल को मिक्स करना है, तो बात यह है कि कितना एथिलीन ग्लाइकोल आप लेंगे, उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट ऑफ सॉल्यूट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस यदि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा रखते हैं तो ये भी ज्यादा होगा, और सपोज इसका कंसंट्रेशन आप कम रखते हो तो ये भी कम होगा। तो फ्रेंड्स ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि हमें कंसंट्रेशन को बढ़ाना है तो हमें लार्ज अमाउंट में एथिलीन ग्लाइकोल को यूज करना पड़ेगा, ताकि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट है वो भी ज्यादा हो। तो इस तरीके से एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर्स का यूज करके ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का भी हमको जो डे टू डे लाइफ है उसमें देखने को मिलता है। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और क्या आप और जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिए।